इलेक्ट्रॉन थ्योरी इन मैग्नेटिज्म, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के जो एटम हैं बिल्कुल डेड हैं, वो मैग्नेट बिल्कुल भी नहीं है, बाय नेचर मैग्नेट नहीं है। फेरो और पैरा जो है बाय नेचर मैग्नेट हैं। अब हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वाले हैं कि डायमैग्नेटिक के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो कैपिटल एम जनरेट करता है, जिसका फॉर्मूला हमने क्लास में किया था ई वी आर बाई टू, तो डायपोल मोमेंट जनरेट करता है। तो फिर इस एटम का, ये जो एटम है ये मैग्नेट की तरह काम क्यों नहीं कर रहा, और फेरो और पैरा बाय नेचर मैग्नेट की तरह उनका एटम काम क्यों करता है, आप क्या लिखोगे? मतलब डायमैग्नेटिक का एटम मैग्नेट क्यों नहीं है बाय नेचर, और फेरो का क्यों है बाय नेचर, क्या लिखोगे? भगवान ने ऐसा बनाया इसलिए, ऐसा देखो वो तो बनाया, लेकिन वो क्यों बनाया, एक्चुअल में उसने क्या किया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है? वो तो देखो हमारे हाथ में नहीं है, जो बना हुआ है वो तो बना ही हुआ है। देखो इसमें ये एक्सप्लेनेशन है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा, ध्यान से, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये दो डायग्राम नहीं है, ये एक ही डायग्राम है, दो अलग अलग बार बना, दो बार बनाए हुए हैं। कैसे? जब एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसके दो मोशन होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल मोशन और एक होता है स्पिन मोशन। इलेक्ट्रॉन का घूमना ऐसा होता है। तो इसमें यह बताया गया है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन ऑर्बिटल क्लॉकवाइज है तो उसका स्पिन मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एक अगर क्लॉकवाइज है, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो फिर स्पिन मोशन कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे है, दो अलग अलग मोशन होते हैं। तो इस मोशन को ऐसे दिखाया गया कि अगर ये मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, ऑर्बिटल मोशन, तो फिर स्पिन मोशन इसमें कैसे होगा? क्लॉकवाइज। एक ही डायग्राम है, वही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है, वही स्पिन है। ऑर्बिटल मोशन की वेलोसिटी कैपिटल एम जनरेट करती है, मान लो नीचे, क्योंकि कुछ तो कैपिटल एम जनरेट करेगी ना, जो ऑर्बिटल मोशन है वो कैपिटल एम जनरेट कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का घूमना कैपिटल एम जनरेट तो करता ही एटम में। तो स्पिन मोशन की वेलोसिटी क्योंकि ऑपोजिट है, ऑर्बिटल अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर वो क्लॉकवाइज है, तो वो भी एम जनरेट करते हैं। और देखो नेचर का खेल देखो, कैपिटल एम वो बिल्कुल सेम जनरेट कर देता है। ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन डायमैग्नेटिक में बिल्कुल सेम कैपिटल एम जनरेट कर देते हैं। तो कैपिटल एम और कैपिटल एम आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसल। नेट डायपोल मोमेंट एटम का क्या बन जाता है? जीरो। इसलिए ये एटम मैग्नेट की तरह काम नहीं करता। लेकिन फेरो में ऐसा होता नहीं है, फेरो में ऑर्बिटल की स्पीड और स्पिन मोशन की स्पीड डिफरेंट होती है, जिस वजह से अगर ये वैल्यू 10 है तो ये 10 नहीं आती, ये होकर 12 आ जाए, 12 में से 10 गया 2, नेट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। तो डायमैग्नेटिक में कैपिटल एम कैंसिल, इसलिए वो मैग्नेट नहीं। फेरो और पैरा में ये कैंसिल नहीं होते, तो पैरा में ये डिफरेंस थोड़ा छोटा होता है 2, तो फेरो में ये बड़ा होता है ताकि नेट कैपिटल एम बड़ा आ जाए। तो रीजन समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है अंदर। लेकिन अब अगला क्वेश्चन सुनो, डायमैग्नेटिक में कैपिटल एम एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, लेकिन फिर जब हम इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं फिर इन्हें क्या हो जाता है, फिर ये मैग्नेट कैसे बन जाते हैं? तो आंसर सुनो, जब आप इन्हें एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एफ इजिकल टू बी क्यू बी साइन 90। वो फोर्स मान लो बाहर की तरफ है ऑर्बिटल मोशन में, तो स्पिन मोशन की वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसमें अंदर की तरफ, कुछ भी मान लो, एक अंदर मान लो एक बाहर मान लो, होगी ऑपोजिट, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर डिफरेंट है दोनों में। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से इसके ऊपर एफ वेक्टर लग जाता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट के फोर्स है, तो ओवरऑल सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाती है इसमें, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन स्लो घूमना शुरू कर देता है, और एम कैपिटल एम ई वी आर बाय टू है, वेलोसिटी कम होगी तो कैपिटल एम भी कम हो जाता है। लेकिन स्पिन मोशन उल्टा कर जाता है, स्पिन मोशन में ऑर्बिटल मोशन के साथ चल पड़ता है एफ, तो सेंट्रीपिटल बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, कैपिटल एम बढ़ जाता है। तो अब देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ये एम माइनस डेल्टा एम, ये एम प्लस डेल्टा एम, दोनों को माइनस करके देखो, नेट आंसर जीरो नहीं आएगा, 2 × डेल्टा एम आएगा। इसका मतलब कुछ तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप होगा, इट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट।
तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो ये मैग्नेट की तरह इसलिए काम करता है क्योंकि इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट करती है, मैग्नेटिक फोर्सेस। तो बस इतना यही नॉलेज होनी चाहिए और कुछ नहीं।